Hi फ्रेंड्स myself सेल्फ Kumar. कुमार टुडे आई in discussion sharing my massaging मसाजिंग वीडियो मसाज लाइक जब मेरा बेटे का स्टार्टिंग में डायग्नोज हुआ था अब हार्डली टू इयर्स में तब भी हम बहुत करते थे मैंने हर बहुत लाइक फाइव सिक्स इयर्स रिग्रसली मसाज किया था बट अभी फिर उसके बाद ऐसा मदर पी फील की बहुत हो गया एंड uh, काफ़ी कुछ सेटल भी हो गया था देन वी स्टॉप्ड एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड आई कैन से बीच में भी हमने किए थे मसाजेस बट उतने प्रॉपरली करते थे तो ये सिंपल मसाज है तो मसाजिंग से मैंने ये देखा है कि एक तो जो मैंने छोटे में किया था तो उसकी टेक्टाइल बहुत ज़्यादा थी टैक्टाइल्स मेंस वो चीज़ों को छूता भी बहुत था ग्रास पे पैर नहीं रखता था जैसे भी हम उसके शूज़ उतार के उसे कहते थे ग्रास पे चलो तो पैर ऊपर करके लेट जाता था और रास्ते में भी चल रहा था तो सब कुछ ऐसे टच करते हुए चलता था तो दिस दिस इज द टेक्टाइल इशूज लॉट तो मुझे इसके सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि स्टार्ट डूइंग द मसाजिंग तो उस समय जब मैं मसाज करती थी तो आई ऑलवेज यूज द सिंपल कोकोनट ऑयल एंड उसमें अगर आप चाहो तो हल्का सा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो एंड uh, उसी से मैं उसके लेग में मसाज फिर बैक में अस्टामक में हल्का सा एंड देन हैंड्स में फीच में स्पेशली एंड पाम्स में एंड लास्ट uh, में हेड मसाज हेड मसाज के साथ साथ फेस मसाज एंड uh, ये, ये क्या कहते हैं स्पाइनल कोड यहाँ पे मसाज में जरूर करती थी तो जिससे काफ़ी मुझे और ब, ब, मसाज के बाद जैसे विलबर्गिन बर, बर, बर्ड ब्रश ब्रश होता उससे रब, रब कर देते थे एंड देन लास्ट में जो मसाजर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मसाजर होते हैं उससे मसाज उससे उसी को मैं चलाती थी उसके होल बॉडी पे ये सब कुछ मैंने अपने थेरेपिस्ट से ही सीखे थे एंड दे आल्सो डिड दिस द सेम थिंग विथ हिम मैंने वो ऑयल मसाज नहीं करते थे वो बस कपड़ों के ऊपर मसाजर चलाते थे एंड दे जस्ट सजेस्ट मी कि डू द ऑयल मसाज एट होम और उसके बाद हम लोगों के पास जैसे कोई भी ब्लैंकेट है या बड़ी सी चादर है तो उसमें हम उसको लपेट देते थे एंड अभी तो हम उतना नहीं लपेटते हैं बट अभी भी हमारे पास लाइक वेटेड ब्लैंकेट है तो उसमें हम ले पे उसको फोल्ड कर देते हैं तो ऑल दिस हेल्प्स हेल्पर इन रिड्यूसिंग हिज टेक्टाइल फॉर इशूज एंड सामियसली आल्सो हेल्प इन हिस्स प्रोप्रसेप्टिव जैसे मसाजर आप चला रहे हो ना तो आप जैसे अपने जॉइंट्स पे चलाओगे तो अकॉर्डिंग टू द आवर ओटिस दे एडेड कि जॉइंट्स में हम जब मसाजर चलाते हैं तो वो उनके प्रोपरसेप्टिव के लिए हेल्प करते हैं तो इट लाइक इनिशियली में जब वो डायग्नोस्ड हुआ था तब तो वो कहते थे इसका टेक्टाइल प्रोप्रसेप्टिव वेजिबुलर तीनों हाई है तो मसाज करने से आपको तीनों में ही इफेक्ट हेल्प मिलेगी स्पेशली टेक्टाइल में और प्रोपरसेप्टिव में तो और थेरेपिस्ट के पास भी मैं देखती थी कि वो मसाजर उसके जॉइंट्स में नी जॉइंट्स में नी में आम, एंकल में में जरूर चलाते थे तो मैंने भी नी में एंकल में बाकी पूरे होल लेग में और मसाजर चलाने का एक तरीका है कि मसाजर ये मसाज कर रहे हो तो लेग में हमेशा अप से नीचे डाउन की तरफ होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हैंड में भी ऊपर से नीचे की तरफ पर बैक में अकॉर्डिंग टू माई थेरेपिस्ट की आप कैसे भी कर सकते हो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर एंड स्पेशली जो स्पाइनल कोडर उस पर ऐसे करके स्पाइनल के ऊपर ऐसे करके आप मसाज करोगे एंड हेड पे पूरा जैसे भी आपको मसाज चम्पी करनी है करो एंड देन हेड पे ऐसे जुटर दबान एंड साइमल्टेनियसली ईयर को भी दोनों हाथ से एक साथ ही उसको दोनों को प्रेस करना तो इन इन इसके बाद मेरी एक छोटी सी वीडियो है होप यू एबल टू अंडरस्टैंड वेट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू तो स्टार्ट डूइंग द मसाजिंग एंड इट डेफिनेटली हेल्प यू एंड योर चाइल्ड थैंक यू सो मच यह मैंने सिंपली इसको लेटा रखा है ऑयल डाल दी है कोकोनट ऑयल सिंपल पैरासूट कोकोनट ऑयल और मैं इसको नॉर्मल जो होता है ना हम हाथों से दोनों तरफ करके मसाज करते हैं वही और फिर हमेशा कोशिश करो ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करना है फीट तो जरूर करना है और फीट के बैक साइड पे भी जरूर करना है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइटली जितना भी आप टाइट कर सकते हो अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है सॉरी सो, तो जितना भी पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड ये मेरा मसाजर है इस टाइप का हेमन मसाजर है ये अवेलेबल है ऑनलाइन अमेजन डॉट इन पे भी अमेजन डॉट कॉम पर भी आप इससे हमेशा ऊपर से नीचे तरफ तो पहले मसाजर चला लो अच्छे से फिर व्हील बर्ग ब्रश है तो ब्रश चला लो लास्ट में मसाजर चला लो तो वैसे ही पहले लेफ्ट लेग में करो ढंग से फिर राइट लेग में उन बच्चे को आ, को भी कहो कि हार हाउ आर यू फीलिंग उससे आस करो और उसके फीट में और फीट के जो होते हैं ना फिंगर्स उनके बीच में भी डेफिनेटली करो मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे टेक्टाइल सेंसिटिव होते हैं जो ग्रासेस पे नहीं चलते हैं फ़ीट पे करते हैं और उनके फीट के उनमें करते हैं बहुत ज़्यादा उससे उनको इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है तो फीट्स के जैसे बीच बीच के फिंगर्स पे जरूर करनी चाहिए और नीचे फीट के वाइट वाले साइड पे भी जरूर करने चाहिए ये अभी मेरी पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं वो आपको बस बता पा रही हूँ और ज़ोर ज़ोर से मसाज करना चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो जॉइंट पे भी थोड़ी सी मसाज को अच्छे से करना चाहिए ये मैं उसके स्टमक पे पर हूँ स्टमक पे मसाज करने का बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि खाना खाए हुए दो तीन घंटे एटलीस्ट होना चाहिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सुबह उठता है उसी समय करूँ ताकि ये खाली पेट हो और उसके बाद अगर अगर बच्चा पॉटी नहीं जाता तो इस कहता एक गर्म पानी पिला सकते हो तो उसके अंदर मैंने देखा है पॉटी हो जाती है बच्चों की दो तो जिन बच्चों का कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं कि स्टमक में मसाज करके गर्म पानी पिला दो एंड देन देखो कि बच्चा माइट वी इट विल बी हेल्प द टू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन पर इस टाइप से सर्कुलर ये मैंने एक आयुर्वेदिक सेंटर से सीखा था जहाँ पे लोग सर्कुलर ऐसे मसाज करते थे ये मैं इसकी बैक में मसाज कर रही हूँ बैक में मसाज करने का मैंने कहा ना कैसे पर ये स्पाइनल की मसाज जरूर करना चाहिए इस तरह से दो हाथों से ये भी मैंने इसके आयुर्वेदिक सेंटर और टी सेंटर दोनों से सीखा था बैक में मसाज करने में मैं ज़्यादातर इसके स्पाइनल के ऊपर ही थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मसाज करूँ ताकि इसको ये कामिंग रहे और अगर बच्चा आपका प्यूबिट्री हिट हो रहा है तो तो डेफिनेटली इट है Um, कुछ भी आप बच्चे साथ के साथ बायोमेड लाओ कुछ भी कराओ पर मसाज इज ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट टू हेल्प द चाइल्ड इन कामिंग इस तरह से आप बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर मसाज कर सकते हो ये मैं उसके हिप्स के बैक में हिप्स पर मसाज करो ये भी मेरे को थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किए थे कि इससे भी बच्चे की जो पैल्विक बोर्न है वो स्ट्रॉन्ग होती है जो कोर मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है मेरे बेटे की कोर मसल्स मसल टोन काफ़ी वीक थी तो मैंने बहुत मसाज किए थे बचपन में अभी भी मैंने दोबारा से री स्टार्ट किया और सच में लाइक ही इज इन अ प्यूबिटी ही इजन अ ट्वेल्व प्लस तो प्यूबिटी कहीं ना कहीं हिट हो तो रही है तो इट्स रियली हेल्प मी इन ए कामिंग ही तो आप इस तरह से डीढ़ की हड्डी में बैक में एटलीस्ट कोशिश करो मैं तो अलार्म लगा के मसाज करती हूँ कि टेन मिनट टू फिफ्टीन मिनट मैं उसके बैक में जरूर मसाज करूँ ताकि उसको थोड़ा रिलैक्सेशन लगे और वो थोड़ा काम डाउन हो और मैंने इसे रियल में बहुत पॉजिटिव देखा है स्पेशली ये मेरा मसाजर है आप टाइप करो कि इलेक्ट्रॉनिक मसाजर हैमर स्टाइल्स ये मिल जाएगा ये पैरासूट ऑयल है मैं सिंपल पैरासूट ऑयल यूज़ करती थी पहले भी अभी भी चाहो तो इसमें आप लेमंडर मिस यूज़ कर सकते हो ये मसाजर इलेक्ट्रॉनिक मसाजर जिससे आप बॉडी पे और हिप पे इस तरीके से और फिर लेग पे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा ब्लड सर्कुलेशन की तरफ ये मसाज करना चाहिए और इस तरह से फीट फिर इस तरह तरह से हैमर मसाजर से आप ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा दबा दबा के मैंने उसका आयुर्वेदिक सेंटर लगी थी एक मसाजर सेंटर भी लगी थी तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि दिस वे यू डू द मसाजर दिस वे यू डू द मसाजर मसाजर में परफ्यूम में कोशिश करती हूँ मसाजर हमेशा ही ऊपर uh, से नीचे की तरफ so. चला और हैंड्स में भी मसाजर को ऊपर हैंड हैंड, हैंड की तरफ से नीचे की तरफ लेके जाना है तो होप इट हेल्प्स यू टू मेक योर हाउ टू यूज़ द मसाजर एंड आपके अपने किसी औरपिस्ट से या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी गाइडेंस mm -hmm. ले सकते हो दिस द गाइडेंस आई गॉटेड फ्राम दैम एंड आई एम अप्लाइंग तो है लेग में भी ऊपर से नीचे की तरफ एंड फीट में बहुत ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत है क्योंकि फ़ीट की वाइब्रेशन से फुल बॉडी में भी वाइब्रेशन चली जाती है तो ट्राई टू गिव द फुल बॉडी वाइब्रेशन बाय द फीट मसाज है ये जॉइंट में भी आपको करना है जॉइंट से बहुत ज़्यादा बच्चे का प्रोप्रेसिविटिव इनपुट होता है जॉइंट में नी में एंकल जॉइंट में शोल्डर जॉइंट्स में एल्बोम में पाम में सब जगह आप उसको वाइब्रेशन दे सकते हो अपने मसाजर से तो दिस इज एंड यू फील वेरी रिलैक्स द चाइल्ड फील वेरी रिलैक्सड बाई दिस वे दिस इज आई एम डूइंग हर हेड मसाज हेड मसाज में ऑयल लगा के ऊपर टैपिंग करती हूँ ज़रूर और उसको ऊपर बीच में दबाती जरूर हेड को ताकि उसको रिलैक्सेशन लगे कि उसको काम डाउन हो तो होप यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मोर ऑटिज्म रिलेटेड वीडियो थैंक यू सो मच